नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज जो हमारा वीडियो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का टेस्ट पेपर से संबंधित है। और इसमें आपको स्वयं का मूल्यांकन करना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं, और आप नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके आज इतने क्वेश्चन में से इतने सही हुए हैं। इनकी की भी मैं बताऊँगा आपको लास्ट में, तो उससे आपका स्वयं का मूल्यांकन होगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है या आपको अभी अपनी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। तो देखिए, पहले मैं आपको यह बता दूं, कुछ क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के। अभी जो जीके का पेपर हुआ था उसमें मिलान करने वाले क्वेश्चन थे। हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपी हो, यूपीएससी, पीएससी, आरपीएससी, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पुलिस, हर एग्ज़ाम से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आजकल कुछ सुमेलित करने वाले जो क्वेश्चन हैं वो कुछ ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। तो कई बार छात्र के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मिलान करने में उसको प्रॉब्लम होती है कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाए। यही एक बड़ी समस्या होती है, आगे की बात तो और है। तो मैं दो क्वेश्चन आपके सामने सोल्व करके बताऊंगा, और उसके बाद में तीन नंबर क्वेश्चन से आपका टेस्ट शुरू होगा, और आपको फिर आपके बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने आते हैं। दो क्वेश्चन पहले मैं आपको करवाऊंगा। देखिए, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ दे रखा है ए बी सी डी, और एक तरफ छोटे अक्षर में है ए बी सी डी। सूची फर्स्ट में लिखा हुआ है हड़प्पा स्थल, और सूची सेकंड में है नदियाँ। तो जैसे ए में मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा और हड़प्पा, सिंधु, घग्गर, सतलज और रावी, ये क्वेश्चन है। और इसके आंसर दे रखे हैं ये चार, इसमें से एक आंसर सही होगा, एक पे आपको टिक मार करना है। तो इनको मिलान कैसे करते हैं, दोनों से आप समझ जाते हैं कि आखिर ये पूछना क्या चाहता है। एक तरफ स्थल है, एक तरफ नदियाँ हैं, यानी कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। तो देखिए, आप इनमें इनके भी सोल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको आसानी से इनमें से कौन सा आता है। जैसे मान लीजिए कालीबंगा है, और आप जानते हैं कि हनुमानगढ़ गंगानगर से इधर से घग्गर नदी निकलती है। आपने राजस्थान जीके में जैसे बहुत बार पढ़ा होगा इसको, तो सी का आंसर है छोटा बी, ये छोटे कूट हैं। कालीबंगा को आपने मिलान कर दिया इस बी के साथ। अब नीचे ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पे ये जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सी जो ऑप्शन है उस सी ऑप्शन का आपने बी कर दिया। इसमें आप मान लीजिए 100% श्योर हैं, तो सी का हो जाएगा बी, और एक बी और दे रखा है। लेकिन अब ये जानते हैं कि हाँ बी 100% सही है, तो फिर आपको ये ए वाला और ये ए वाला इनको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, इन दोनों को आप क्रॉस कर दीजिए। अब आपके सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन रह गए, पहला और तीसरा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा 100%, फिर आप वापस ऊपर जाइए और फिर देखिएगा। जैसे मोहनजोदड़ो है तो इतना प्रसिद्ध स्थल है, और ये जो है ये सिंधु नदी के किनारे था, तो ए का है ए, तो इसमें देखिए ए का ए है, और थर्ड जो ऑप्शन है उसमें भी ए है, यानी यहाँ से भी हमारा आंसर डिसाइड नहीं होगा। सी में भी बी था, यहाँ भी बी है, अभी भी ऑप्शन हमारा आंसर डिसाइड नहीं है, यानी बी और डी के आधार पर हमारा आंसर होगा। फिर आ जाइए रोपड़ की बात करते हैं, तो रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे है, यानी इस बी का आंसर क्या है, सी। यहाँ बी में सी देखिए, इसमें सी हो गया, इसमें डी है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी में सी और बाकी डी का डी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, तो हमारा सही आंसर जो इसमें हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो आप समझ गए इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। और आप गोला जब काला करेंगे उसमें, तो आप एक नंबर पे काला करेंगे। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये भी वही है कि सुमेलित करो। तो सुमेलित करनों के अंतर्गत कैसे करना है आपको सुमेलित, एक तरफ अवशेष हैं और एक तरफ प्राप्ति स्थल हैं। तो देखिएगा, इस तरफ ए ऑप्शन में है प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी, फारस की खाड़ी की मुद्रा,
दूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति और अग्निवेदिकाओं की श्रृंखला, प्राप्ति स्थल हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। यानी हमें इन ऑप्शन को आपस में मिलान करना है कि किसका कौन सा सही है। ये इसने नीचे दे रखे हैं इस आंसर के लिए कूट, आपको मिलान करना है कि इनका कौन कौन सा सही है। और एक ऑप्शन सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही है। देखिए, प्रसिद्ध कांसे की जो नर्तकी है वो इतनी फेमस है कि हम जानते हैं कि ए का आंसर हो जाएगा सी। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? 12 सेंटीमीटर लंबी जो कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति मिली हमें, मोहनजोदड़ो से मिली है। ए का सी, इसमें देखिए ए का सी यानी थर्ड और फोर्थ। हम मान लीजिए इसमें 100% श्योर हैं तो फिर हमें ए डी डी वाले जो ऑप्शन हैं ये मान लीजिए हमने दोनों ही क्रॉस कर दिए। ये दोनों हमें आप आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि ये गलत है। ए का डी हो ही नहीं सकता तो आगे वाले ऑप्शन में मिलान नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फिर उसके बाद में अग्निवेदिकाओं की संख्या, तो श्रृंखला अग्निवेदिकाएँ जो हैं वो मिली है कालीबंगा से। 7 अग्निकुंड मिले हैं यानी वहाँ पर यज्ञ होते थे, हवन होते थे। तो डी का है छोटा डी, यहाँ भी देखिए डी का छोटा डी, सी और डी दोनों में डी डी है यानी अभी भी थर्ड और फोर्थ में हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब बी और सी इसके आधार पे हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ एक चीज़ सोचने वाली है कि मान लीजिए दूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति है, ये आपको पता नहीं है कहाँ से मिली है। अब है फारस की खाड़ी की मुद्रा। देखिए फारस की खाड़ी की मुद्रा जो है वो आप जानते हैं कि फारस की खाड़ी, फारस ईरान उनको कहा जाता था, उन कंट्रीज़ को, ईरान को, तो वहाँ से हमारा व्यापार होता था। और फारस की खाड़ी की मुद्रा, अब दो ही ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, लोथल में मिली है या हड़प्पा में। तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लोथल जो है ये गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा मतलब यहाँ पर छोटा बंदरगाह था लोथल में, गुजरात के यहाँ किनारे पे इस तरफ है ये लोथल। तो यानी यहाँ से ईरान के साथ, फारस के साथ व्यापार होता था। और जब उनके साथ व्यापार था तो हड़प्पा और लोथल में सबसे ज़्यादा संभावना है कि शायद लोथल में ही फारस की खाड़ी की मुद्रा मिले। तो आप इस तरह से थोड़ा सा एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में बेसिक जानकारी है तो आपको क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो भी आप इसका अनुमान लगा करके अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो देखिए फारस की खाड़ी की मुद्रा, ये हमने अनुमान लगाया कि बी का बी और बाकी जो बचा सी, सी का ए। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए बी का बी और सी का ए, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है ये हमारा हो जाएगा सही। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए मिलान करने वाले। और आपको हर पेपर के अंदर आपके जो 150 क्वेश्चन आएंगे, आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का जो पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, और 150 क्वेश्चन में से कम आप मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो ऐसे होंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन जो कि सुमेलित करने वाले होंगे। तो इस प्रकार से अगर आपने सुमेलित करने वाले क्वेश्चन का अभ्यास कर लिया तो आपको एग्ज़ाम में इनको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट आपके सामने रख रहा हूँ और आपको उनका आंसर बताना है। देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा था? तो यहाँ हड़प्पा से मतलब हड़प्पा संस्कृति से है, नागपट्टनम, लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। इनके आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप क्लियर कर लीजिए कि आपको इसका क्या आंसर टिक मार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा यानी कपास का जो इस्तेमाल है उसके प्रमाण के कहाँ मिलते हैं, कि सबसे पहले किसने यूज़ किया उसका, उसके प्रमाण हमें कहाँ मिलते हैं? तो उसके जो प्रमाण मिलते हैं वो है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो, ये ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सवाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का कब्रिस्तान, लोथल और धोलावीरा। उसके पश्चात है कि हड़प्पा का संबंध किससे है? R-37, गोदी, नर्तकी की मूर्ति और जूतावा खेत। उसके पश्चात है, सूतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये आप देख लीजिएगा कि किस में है ये। हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे? विष्णु, गणेश, पशुपति। हड़प्पा संस्कृति है लोहे युगीन, ताम्र युगीन, स्वर्ण युगीन और कांस्य युगीन।
एक तांबे का रथ जिसमें दो बैलों की जोड़ी और एक नग्न मानव आकृति उस रथ को चला रही है, यह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? देमाबाद, रोजदी, धोलावीरा और कोटदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल जो है वो सिंधु वासियों के द्वारा, हड़प्पा वासियों के द्वारा नहीं ली जाती थी? जो गेहूँ, दालें और चावल। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? चित्रात्मक, अलंकार प्रधान, रंगात्मक और काव्य प्रधान। उसके पश्चात है हड़प्पा की मोहरे बनी किसकी बनी होती थी? पत्थर की, लोहे की, लकड़ी की और सेलखड़ी की। उसके पश्चात है कौन सा स्थल अपनी नगर योजना के कारण लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जैसा प्रतीत होता है? लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। उसके पश्चात है घोड़े की अस्थियां हमें कहाँ से मिली है? लोथल, सुरकोटड़ा और कालीबंगा। तो आपको इनमें देखना है कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और आपने अब तक कर लिया होगा क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, एक बार में अगर आपके माइंड में क्लिक हो जाएंगे तो हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आपको बाद में देखना है, इस टाइम नहीं देखना है कि इसका आंसर बुक में क्या लिखा हुआ है। तो देखते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा था, ये मैं आपको अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, लोथल जो कि गुजरात में है। कपड़े का इस्तेमाल, इसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं? कपास के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता था कपड़ा का, वो मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इज़ राइट आंसर। सामूहिक सवाधान के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये मैंने आपको बताया R-37 जो है वो हड़प्पा के कब्रिस्तान से संबंधित है, उसको R-37 कहा जाता है, हड़प्पा का कब्रिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा का संबंध किससे है? R-37 यही होगा, सामूहिक कब्रिस्तान से मतलब है इसका। और गोदीवाड़ा, देखिए गोदी वर्ड वही है, गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह, तो इसका संबंध लोथल से हो जाएगा। जूते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा से, और नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा का संबंध है R-37। सूत का गेंड और किस नदी पे है? तो ये है दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी है उसके किनारे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? नौ विष्णु, नौ गणेश, पाशुपति यानी शिव। हड़प्पा संस्कृति है कैसी, कांस्य युगीन है, ना ताम्र युगीन, ना लोह युगीन, ना स्वर्ण युगीन। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। हालांकि यूज तांबे का यूज होता था, लेकिन एक सभ्यता से मतलब है उसमें सबसे ज़्यादा यूज जो होता था वो था कांस्य युगीन, कांस्य का प्रयोग। एक तांबे का रथ जिसमें दो बैलों की जोड़ी और एक नग्न मानव आकृति चला रही है, उस रथ को, ये हमें कहाँ से मिला है? ये हमें मिला है देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में है, और इसका दक्षिणतम छोर है ये जो आपको बताया मैंने। इसकी फसल कौन सी नहीं ली जाती थी? तो दालें नहीं ली जाती थी, इस दालों के अलावा ये सब फसलें ली जाती थी, चावल, गेहूं, जो चावल के साक्ष्य तो आपको बताए हैं मैंने, मुख्यतः रंगपुर और लोथल, वहाँ से, दोनों ही गुजरात में, वहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि है चित्रात्मक। हड़प्पा की मोहरें किसकी बनी है? सेलखड़ी, विशेष प्रकार की मिट्टी होती है ये सेलखड़ी, सेटेलाइट मिट्टी कहा जाता है, उससे बनी होती है हड़प्पा की जो मोहरें हैं। कौन सा स्थल अपनी नगर योजना के कारण लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जैसा प्रतीत होता है? तो वो है लोथल। घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली है? सुरकोटड़ा। तो देखिए टोटल 15 क्वेश्चन हैं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन राइट हैं, आपको नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स में। और जितने भी 15 में से दो क्वेश्चन तो हालांकि मैंने शुरू में आपको बता दिए थे, फिर भी आप 15 के हिसाब से काउंट कीजिएगा कि 15 में से जितने भी क्वेश्चन आपके राइट होते हैं, 10, 12, 13, 14, 15, 9, 10, जो भी जितने भी क्वेश्चन राइट हैं ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उससे हम और आप में सुधार होगा कि आपको और कितनी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।